हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज की अपडेट वीडियो स्पेशली गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग है जो लंबे समय से स्कूल अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तो आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और आपके लिए दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है। तो पूरी अपडेट को ध्यान से देखते रहें अंत तक और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल एजुकेशन का ऑफिशियल साइट और यहाँ पर आपको पब्लिक सर्कुलर का एक ऑप्शन मिलता है और पब्लिक सर्कुलर का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारे वो सर्कुलर यहाँ पर आप दिखने लग जाते हैं, शो हो जाते हैं जो भी अभी रिसेंटली आए हैं। अगर आप वीडियो अभी तुरंत देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे मिल जाएगा रीएलोकेशन ऑफ स्कूल टू द गेस्ट टीचर्स फ्रेश पैनल 2020-21 हु कुड नॉट ज्वाइन द स्कूल ड्यू टू नो वैकेंसी इन द एलोकेटेड स्कूल। तो चलिए जैसे ही आप इस लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक पीडीएफ शो होता है, तो चलिए मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरह से ये लिस्ट मिल जाएगी और जो कि आज की डेट यानी कि 3 तारीख का ये सर्कुलर है। अब आपको यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वैकेंसी पोस्ट वो है TGT मैथ, TGT साइंस, TGT इंग्लिश, उसी के साथ ही PGT इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और उसी के साथ यहाँ पर AVGC और स्पेशल एजुकेटर की भी लिस्ट आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिस्ट है वो किसकी है। तो जो भी डिपार्टमेंट ने 2020-21 में गेस्ट टीचर्स के लिए वैकेंसी निकाली थी उसमें कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनको स्कूल अलाउड किए गए थे और जब वो स्कूल में गए तो वहाँ पर दिखा नो स्कूल रीएलोकेटेड टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर। तो वहाँ पर उनको कोई भी नो वैकेंसी बताया गया, जिस स्कूल में रिपोर्ट किया उन्होंने वहाँ पर वैकेंसी थी नहीं। तो डिपार्टमेंट ने उनके लिए नई लिस्ट यहाँ पर जारी की है और लिस्ट आपको इस तरह से दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाइज हैं, तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले इंग्लिश की लिस्ट मिलेगी आपको 5 कैंडिडेट की, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद यहाँ पर TGT मैथ की है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब जो स्कूल आपको मिला है वहाँ पर आपको विदिन 7 वर्किंग डेज आपको रिपोर्ट करना है ताकि आपकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। साथ ही आपको पूरे डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट की यहाँ पर लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है आपको क्या क्या करना है, प्रिंटेड, ऑनलाइन, जो भी फॉर्म भरा आपने, तो ये सारी चीज़ें 10th 12th की ग्रेजुएशन है, BEd है, SC ST है, OBC है, सारे डॉक्यूमेंट, साथ में फोटोग्राफ और आधार कार्ड भी आप लेके जाएंगे। और ये जो लिस्ट है आपको लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन टीचर्स को जॉब मिल सके जो इसके जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और हर नए एजुकेशन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।